नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न व मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। मुझे पता है इस फलादेश को आपके सामने प्रस्तुत करने में मैं काफी डिले कर चुका हूं, किंतु फिर भी आपसे यही कहना चाहूंगा, आपने चाहे जितने फलादेश सुन लिए हों, किंतु यदि आप ये वीडियो देखना प्रारंभ किया है तो इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। बड़े सूक्ष्म शब्दों में आपको वो गणना देने जा रहा हूं जो अभी तक किसी ने नहीं दी है। हम सभी ग्रहों की बात नहीं करेंगे, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म शब्दों के अंदर आपके सामने वो गणना प्रस्तुत करूंगा जिसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति मिथुन लग्न व मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय में यही कहता हुआ पाएगा कि 2021 मिथुन लग्न व मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध नहीं होगा, किंतु ये कथन बिल्कुल गलत है। उसके दो कारण है। पहली अवस्था में जो फलादेश आपको दिया जाता है ये गोचर के आधार पर दिया जाता है और गोचर गणना आपके ऊपर 50% ही काम करती है। अगर आपकी कुंडली में किसी अच्छे ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, गोचर का 50% का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अन्य स्थितियों में 50% आपकी कुंडली के अनुसार ही आपको फल मिलने वाला है। तो अगर कुंडली में फेवरेबल कंडीशन बनी हुई है तो कहीं पर भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी अवस्था में हर एक व्यक्ति 2021 को लेकर मिथुन राशि वालों के लिए यही कहता हुआ पाया जाएगा कि आपके लिए अष्टम के अंदर शनिदेव संचरण कर रहे हैं और यही एक कारण रहेगा कि 2021 आपका अच्छा नहीं रहने वाला। किंतु यहां बिल्कुल अधूरे ज्ञान के चलते ये गणना आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, उसका कारण बताता हूं। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव कुंडली के कारक ग्रह होते हैं, एक भाग्य स्थान के मालिक हैं और शास्त्र प्रमाणित स्थिति यही कहती है कि यदि आपकी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है, फिर चाहे वो 6, 8, 12 में भी चले जाएंगे तो भी आपको अशुभ फल नहीं दे सकते, क्योंकि वो बाध्य हैं आपको शुभ फल देने के लिए। तो शनि से संबंधित बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास आपकी कुंडली बनी हुई है उसे खोलिए, चेक कीजिए, 6वें, 8वें और 12वें घर के अंदर तो शनिदेव नहीं विराजमान है। कुंडली में एक नंबर जहां लिखा है उस स्थान पर तो शनिदेव विराजमान नहीं है। यदि नहीं है तो शनिदेव से डरने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। बड़ी आनंदमय स्थिति के अंदर शनिदेव भी आपको लाभ देते हुए पाए जाएंगे। ये बात अपने आप में सत्य है कि शनि की ढैया वर्तमान समय में आपको चल रही है। उससे संबंधित भी बड़े छोटे छोटे उपाय आपको बताऊंगा। यदि आपने उनको एकाग्र चित्तता से किया, 100% भी शनि संबंधित बुरे प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं बड़े सूक्ष्म शब्दों के अंदर 2021 का फलादेश। मिथुन लग्न और मिथुन राशि के यदि आप एक जातक हैं तो यहां वर्ष का प्रारंभ सूर्य के साथ बुध बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए आपके लग्न को देख रहे हैं। 2021 का जनवरी माह 27 तारीख तक आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। आपका व्यक्तित्व ज्ञान स्वरूपी योग में निखर कर आएगा। यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात यही रहेगी कि यहां आपका स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। अन्य अवस्थाएं कर्म से संबंधित आपके लिए अच्छा लाभान्वित योग को दर्शाएगी। फरवरी माह में बुध देव जो आपके लग्नेश हैं अष्टम भाव में रहेंगे, कार्यों में थोड़ी सी ऑब्स्टेकल देखने को मिल सकती है, किंतु इस बात को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपके राशि के स्वामी बुध देव हैं जिन्हें बुद्धि का कारक माना जाता है। अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर आप फरवरी माह में शांतिप्रद अवस्थाओं में सोच समझ कर निर्णय लेते हैं तो ये पूर्ण रूप से आपके लिए फेवरेबल रहेगा। जल्दबाजी फरवरी में किसी भी प्रकार से मत कीजिएगा, एकाग्र चित्तता से सोच समझकर जो डिसीजन लिए जाएंगे ये आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। इवन मैं कहना चाहूंगा फरवरी के महीने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बस एकाग्र चित्तता से सोच समझकर यदि आपने कोई भी रणनीति बनाई तो आपके ज्ञान को उपार्जित करने वाला ये महीना है, जिसे अन्य लोग आपको डराते हुए कहेंगे कि इस स्थान के ऊपर बुद्ध देव कभी भी अच्छा लाभ नहीं देंगे और आपको परेशानी देखने को मिलेगी। मार्च माह के अंदर आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। भाग्य के साथ साथ में ही आपने जो मेहनत करनी है उसका फल देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे लाभ की योग देखने को मिलेंगे। जितनी भी आपके द्वारा मेहनत की जाएगी उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पिता से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। विदेश से संबंधित कोई कार्य रुके हुए हैं वो आपके पूर्ण होने जा रहे हैं। तो ओवरऑल कर्म क्षेत्र से संबंधित भी अच्छे लाभ के योग रहेंगे। अप्रैल के अंदर ये समय आपके लिए बहुत पक्षकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यदि आप एक व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं जॉब के अंदर आपको अच्छे लाभ की स्थिति बनकर आएगी, प्रमोशन की स्थिति बनकर आ सकती है। आप यदि कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं उस समय के अंदर यदि आपकी कोई जॉब से संबंधित कोई समस्या देखने को मिलती है
निश्चित रूप से आप यदि मूव ऑन करना चाहें, कोई अन्य स्थान के ऊपर जॉब गेन करना चाहें, निश्चित रूप से आपको मिलती हुई दिखाई देगी। 6 अप्रैल 2020 से देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके दो केंद्र के मालिक हैं, एक सप्तम भाव के मालिक हैं और एक कर्म भाव के मालिक हैं, वो अपनी नीचस्थ स्थिति को छोड़कर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहां से बड़ा अच्छा लाभ का योग बनाकर देंगे। अप्रैल के अंदर आपको दैनिक रोजगार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत अच्छी बनाकर देंगे। मिथुन राशि व मिथुन लग्न वाले जातकों के जो कन्या व बालक है जिनके विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, उनके लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। महिलाएं जिनके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी हुई है, उनके लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। कर्म क्षेत्र की स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, डिजायर्स पूरी होने वाली है, आय के स्त्रोत्र बहुत अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ ही आपका व्यक्तित्व स्वयं रूपी में ज्ञान स्वरूपी योग में दिखाई देगा। भौतिक सुखों की वृद्धि का योग रहेगा अप्रैल का माह। मई के महीने में भी आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। इस समय में आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और साथ साथ ही आपको बताना चाहूंगा, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा का समय चल रहा है, चलाकर किसी से बेवजह से परेशानी मोल मत लीजिएगा। अपने कार्य के ऊपर एकाग्र चित्तता से यदि आपने ध्यान दिया, मई का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जून के महीने के अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी भी पैसे के लेन देन में गवाही किसी की मत दीजिए, ये आपके लिए सबसे प्रमुख योग रहेगा। अपनी वाणी के ऊपर आपको संयम रखना होगा। अन्य अवस्थाओं में आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, हर स्थिति आपके लिए पक्ष में रहेगी। जुलाई के अंदर भी आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा रहेगा, किंतु इस समय में आप अपने परिवार की उलझनों में ही उलझ सकते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर किसी भी कारण से कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं जो आपके लिए पश्चाताप युक्त स्थिति को प्रदर्शित कर दे। तो यहां पर जुलाई के महीने में भी आपको सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोजन करना है, सोच समझ कर डिसीजन लेने हैं, अपने परिवार के सदस्यों से किसी प्रकार का उलझाव नहीं लेना है। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, अपने कुटुंब परिवार के लोगों से स्नेह से रहें। प्रयास कीजिए कि अपने मन को एकाग्रचित्त कर अपने कर्म पर कॉन्सेंट्रेट करें। अन्य स्थितियां पूर्ण रूप से आपके लिए पक्ष में बनी हुई है। अगस्त का माह आपके लिए बड़ा विशेष बना हुआ है। अगस्त के महीने में किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कोई भी भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आपके कोई कार्य रुके हुए हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई परेशानी देखने को मिल रही है, उससे भी आपको निजात मिलने वाली है। तो अगस्त का महीना भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। सितंबर का महीना आपके लिए फिर से थोड़ा सा सावधानी भरा रहेगा, जहां आपको केयर करने की आवश्यकता होगी। इस समय में जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट ऐसी अवस्थाओं में इन्वेस्ट नहीं करना है। कोई भी बड़ा कार्य या तो करें ही ना, अगर करते हैं तो सोच समझ कर करें, प्लानिंग करें। सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको लालच प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है, गलत संगति देखने को मिल सकती है, जो आपको उकसाते हुए पाए जाए कि आप इस जगह पैसा लगा देते हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार के योगों में आपको नहीं फंसना है। अक्टूबर का महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से तो बड़ा अच्छा रहने वाला है, किंतु यहां पर भी आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा ऐसी अवस्थाओं में गवाही किसी की देना, किसी को पैसे उधार दिलवा देना, आप स्वयं के लिए यदि आवश्यकता नहीं है उसके पश्चात भी अपने भौतिक सुखों को पूर्ति के लिए कोई कर्ज इत्यादि ले रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नहीं लेना चाहिए। अगर आपने अक्टूबर के महीने के अंदर किसी भी प्रकार का कर्ज इत्यादि लिया, तो आपको लंबे समय तक इसे चुकाने में परेशानी देखने को मिलेगी। अगर आवश्यकता ना हो तो ऐसा प्रयोजन ना करें। नवंबर के महीने के अंदर पुनः आपके पास एक सौगात बनकर आएगी, जहां भाग्य का आपको साथ देखने को मिलेगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान से संबंधित कोई भौतिक शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। बीमारी इत्यादि यदि आपको देखने को मिल रही थी, उससे आपको अच्छे योग देखने को मिलेंगे। प्रमोशन के योग देखने को मिलते हैं। कॉम्पिटिशन से रिलेटेड यदि आप कोई परेशानी को फेस कर रहे हैं, उसकी स्थिति आपके लिए पक्ष में आएगी। और दिसंबर का माह पुनः आपको सावधानी पूर्वक रहने की आवश्यकता रहेगी। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा का केस चल रहा है, उसको भी दिसंबर के माह में टालकर 2022 की जनवरी तक ले जाने का प्रयास करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहां सिर्फ आपको चार बातों का वर्ष 2021 में ध्यान रखने का है। पहला, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरा, अपने मन पर, चित्त पर संयम रखें, क्रोध इत्यादि की व्यवस्था आपको नहीं बनानी है। तीसरी अवस्था में कर्ज इत्यादि की व्यवस्था में फंसना और किसी भी प्रकार से किसी की गवाही इत्यादि के प्रयोजन में नहीं फंसना है। बाकी सभी स्थितियां आपके लिए पक्ष में रहेगी। अब बात कर लेते हैं
शनि की जो ढैया आपके लिए प्रारंभ हुई है इसकी स्थिति का योग आपको किस प्रकार देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया यदि शनि का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है, किसी प्रकार की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना, काली वस्तु का दान करना, शनिवार को किसी भी गरीब व्यक्ति को यदि कुछ खाने की वस्तु देते हैं, फिर चाहे 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट ही क्यों ना हो, ये स्थिति आपके लिए बड़ी अच्छी रहने वाली है। पूर्ण वर्ष ओम गम गणपते नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना, आपको गणपति का आशीर्वाद स्वरूप में वरदान प्राप्त होगा। हर स्थिति आपके लिए पक्ष में रहेगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।